नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बागवान चैनल पे। तो आज का वीडियो है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट सेब तुड़ान के बाद जो है कौन सी स्प्रे जो है हम लोगों को करनी चाहिए। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमें बताएं कि कौन सी स्प्रे जो है इस वक्त करनी चाहिए। तो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि इस साल जो हमारा पुराने बगीचे है, जो पुराने पेड़ है, लो हाइट में जो है तुड़ान जो है हो चुका है या अभी जो है हो रहा है। तो अगर आप लोगों के जो है पत्तियाँ नीचे नीचे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पुराने पेड़ में, खासकर कईयों के नए में भी है, पर नए में जो है दिक्कत कम है। जो पुराने पेड़ है, बहुत पुराने पेड़ या लगभग 25-30 साल से ऊपर के जो प्लांट हैं, उनमें जो है पतझड़ मैक्सिमम जगह में जो है देखा जा रहा है। आप हमारे देख सकते हैं, इसमें जो है कोई भी पत्ती आपको जो है ऐसी नहीं दिखेगी, ऐसी एक आधी पत्तियाँ जो है रहती है कहीं भी। आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट, आप देख सकते हैं इसमें भी जो नहीं है एक आधी पत्ती, ऐसे तो जो है होती है, हमेशा होगी। ये आप देख सकते हैं, इसकी पहले समर प्रूनिंग भी मैंने थोड़ी सी कर ली थी। तो अगर आपके पत्तियाँ बिल्कुल नहीं हैं तो आप लोग जो है ब्लाइटॉक्स की स्प्रे ज़रूर करें, और जहाँ पर पत्तियाँ नहीं है वहाँ पर जो है वूली एफिड भी जो है डेफिनेट जो है इस साल है। तो पहले जो है आप क्लोरोफायरीफॉस की जो है स्प्रे आप लोग कर ले, अगर वूली एफिड आपके ज़्यादा है, और उसके जो है 4-5-6 दिन बाद जब बारिश अभी चली हुई है या आ जाएगी तब, उसके बाद आप लोग जो है ब्लाइटॉक्स की स्प्रे इसमें कर दे। सेब ज़्यादा था आप लोगों के और पत्ते नहीं रहे, या फिर सेब कम था फिर भी आपके पत्ते नहीं रहे, तो आप लोग जो है जैसे हमारे जिंक वगैरह करवाते हैं या इसमें यूरिया आपसे डलवा देंगे, तो इस साल जो है भूल के भी वो जो है आप ना डालें, क्योंकि अगर आगे अभी धूपे लग जाएगी, मैक्सिमम लोगों के जो है ये दिक्कत आने वाली है इस साल की, जो हमारी फ्लोरिंग होती है, जो एक और बार फ्लोरिंग हो जाती है वो जो है अक्टूबर में जो है, सितंबर अक्टूबर में जो है हो सकती है, क्योंकि जो है पत्तियाँ बहुत कम है, बाद में धूपे लगेगी, नमी बहुत ज़्यादा है, तो दोबारा से फ्लोरिंग होगी, जिसका नुकसान जो है हमें नेक्स्ट ईयर भी देखना पड़ता है। तो आप लोग जो है सिर्फ ब्लाइटॉक्स जो है इसमें ज़रूर करें, ताकि जो है आपके टॉप में, जैसे ये आप देख सकते हैं ये इसका टॉप है, इनमें कम से एटलीस्ट जो है इनमें पत्तियाँ बची रहे, ताकि जो है पीछे फ्लोरिंग ना हो सके और बीमे जो है पीछे से स्प्राउट ना हो जाए, जिस वजह से जो है फ्लोरिंग हो जाएगी और फिर आपको जो है 1-2 साल नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप लोग ब्लाइटॉक्स की स्प्रे जो है इस वक्त ज़रूर कर दे, और जिन भाइयों के बहुत अच्छे पत्ते हैं, काफ़ी भाइयों के काफ़ी अच्छे पत्ते हैं, तो वो जो मैंने खुद ऑब्जॉर्व किया है, हमें जो है इस टाइम जो है मैंने माइट के लिए इसमें जो है समर ऑयल किया था, पर फिर भी जो है मेरे कहीं कहीं जो है मुझे पौधों में जो है माइट दिखाई दे रहा है। अभी हमारे तुड़ान नहीं हुआ है तो मैं तो उससे पहले मार दूंगा। अगर आप लोगों के पत्ते बचे हुए हैं तो ब्लाइटॉक्स छोड़ के आप लोग मेरी बात माने, आप लोग जो है माइटीसाइड की स्प्रे जो है इस वक्त कर ले, जो एग को भी मार दे और जो है अडल्ट को भी जो है मार दे। कोई भी आप स्प्रे जो है कर सकते हैं, जैसे ओमाइट है, सिम्बा है, या मैडन वगैरह है, मजिस्टर है, मैजिस्टिक है, इसकी स्प्रे जो है अगर आपको लगता है माइट है तो आप लोग मार दे। नहीं मारेंगे आप तो आप चाहे ब्लाइटॉक्स कर ले, चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जो है पतझड़ लग जाएगा। तो उन भाइयों को जो है माइटीसाइड की मैं जो है सलाह दूंगा। और बाकी जो है अगर हम बात करें कि इस वक्त जो है नीचे हमें क्या देना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि आपके सेब बहुत ज़्यादा थे, पत्ते वगैरह अच्छे हैं, तो आप लोग जो है नीचे नाइट्रोजन दे सकते हैं। सेब भी नहीं थे, पत्ते भी झड़ गए हैं, तो आप लोग जो है नीचे नाइट्रोजन देने की गलती ना करें, उससे और ताकत मिल जाएगी और आपके जो है फ्लोरिंग जो है इस साल फिर हो सकती है। तो जिनके पत्ती नहीं है वो कोई भी खाद वगैरह नीचे से ना डाले, इसका जो है आगे जो है बैड इफेक्ट भी जो है पड़ सकता है। सेब ज़्यादा थे तो आप लोग डाल दें, अगर पत्तियाँ नहीं है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है इससे बचना चाहिए। फिर भी आप लोग सेब ज़्यादा थे, पत्तियाँ अब नहीं है, फिर भी आप लोग जो है नीचे जो है नाइट्रोजन इस तरह की खादें जो है ना डालें, इसको जो है नेचुरल रहने दें, और जो इसमें पत्ते अपने बचाए, चाहे आप टॉप बचा सके भले ही नीचे से झड़ गए होंगे, क्योंकि जो निचली साइड रहती है वो जो है झड़ गए हैं मैक्सिमम लोगों के। मैं 2-3 जगह विजिट भी किया तो काफ़ी जो है दिक्कत है, इसमें आपको दिख रहे थोड़े से यहाँ जो है पत्ते इस तरह से है, तो ये नॉर्मल है, ये पत्ते जो है टिक जाएंगे। अभी भी इसमें जो है आप देख सकते हैं ग्रोथ हमारे चली हुई है, रस्टिंग की जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत रही इस साल हमारे भी, आप देख सकते हैं रस्टिंग इसमें जो है ही है, तो टाइट रही ज़मीन, उस वजह से जो है रस्टिंग भी जो है ज़्यादा हो गई।
तो उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमें इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।